नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम सभा में। और आज के हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं एक सीरीज जिसमें हम जितने भी इम्पोर्टेंट मैप्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह हमारा चैनल एग्जाम सभा, जहां पर आपको हर तरह के गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज मिल जाएंगे। तो ये जो हमारी मैप की सीरीज आने वाली है, इसमें आपको कई सारे वीडियोज जो देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इन सारे वीडियोज को पार्ट वाइज देखते हैं तो आपको काफी जो है फायदेमंद होंगे। तो उसी सीरीज का पहला वीडियो है ये। और अगर आप इसी तरह के और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जो लिंक दी गई है उन पे क्लिक करके हमारे दूसरे वीडियोस को देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये वीडियो जो है मैप सीरीज का पार्ट वन है। तो इसमें हम आपको दो मैप देखेंगे। तो पहला जो आपका मैप दिया गया है यहाँ पे, वो आपका है ग्रेट लेक बेसिन, जो आपका है, जो आपका बॉर्डर पे लोकेटेड है कनाडा और अमेरिका के। जैसा कि आप जानते हैं कि जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसमें दो कंट्रीज हैं, कनाडा और अमेरिका, जिनका साइज काफी जायंट है, यानी काफी बड़ी कंट्रीज हैं। तो उनके बॉर्डर पे आपको पांच जो लेक्स हैं उनका एक ग्रुप देखने को मिलेगा, इनको हम ग्रेट लेक्स कहते हैं। तो इनके नाम आपको दिए गए हैं, जिनमें आपका लेक एरी है, लेक ह्यूरॉन है, लेक मिशिगन है, लेक ऑन्टेरियो है और लेक सुपीरियर है। तो पांच लेक्स हैं और इनका आप यहाँ पे देख भी सकते हैं मैप में, आपका लेक सुपीरियर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका जो लेक मिशिगन है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपका जो लेक ह्यूरॉन है वो आपको मिड में देखने को मिलेगा, और फिर आपका लेक ओंटेरियो है और लेक एरी है। तो इस तरह आपके पांच टोटल लेक्स हैं। और ये आपको जो कनाडा और अमेरिका का बॉर्डर है, यानी कि जो यूएस और कनाडा का जो बॉर्डर है, जो आपका जिसको हम 49th डिग्री पैरेलल भी कहते हैं, तो उस पर आपको ये लोकेटेड मिलेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो ये पांच लेक हैं इनको कैसे याद करेंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक भी मैं आपको बताता हूं कि HOMES, होम्स। होम्स आप जानते हैं एक सिटी है सीरिया में, तो उसी के नाम पे आप याद रख सकते हैं। H से ह्यूरॉन, O से ओंटेरियो, M से मिशिगन, फिर आपका E से एरी और S से सुपीरियर। तो ये पांच लेक्स हैं टोटल आपकी। अब बात करें कि सबसे बड़ी लेक कौन है, तो आप देख सकते हैं कि जो लेक सुपीरियर है वो जो है सबसे बड़ी लेक है इसमें पूरे में। और ये जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, तो ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकते हैं कि आप जो है इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करिए। तो सबसे नॉर्थ में आपका लेक सुपीरियर है, फिर आपका जो है लेक मिशिगन है, लेक ह्यूरॉन है, फिर आपका लेक ओंटेरियो है और फिर लास्ट में लेक एरी है। तो सबसे नॉर्थ में आपका लेक सुपीरियर है और सबसे साउथ में जो आपका है लेक एरी है। अब बात करेंगे कि सबसे वेस्ट में कौन है, तो सबसे वेस्ट में भी आपका लेक सुपीरियर है और सबसे ईस्ट में जो है आपका लेक ओंटेरियो है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई कि आप इन पांचों के नाम को कैसे याद रख सकते हैं। तो अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला ये है कि कौन सी ऐसी लेक है इन पांचों में जो पूरी तरह से जो है यूएसए में आती है, यानी कि इंटायरली जो है यूएसए के अंदर आती है। तो वो है आपका लेक मिशिगन। अगर आप लेक मिशिगन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इंटायरली जो है यूएस में आती है, बाकी जो है वो आपको कनाडा और यूएस के बॉर्डर पे देखने को मिलेंगी। उसके अलावा जो आपका लेक मिशिगन है और आपका जो लेक ह्यूरॉन है जो आप देख सकते हैं, इनको एक स्ट्रेट कनेक्ट करती है। उस स्ट्रेट का नाम है आपका स्ट्रेट ऑफ मैकिनेक। स्ट्रेट ऑफ मैकिनेक जो है इन दो लेक को कनेक्ट करती है। उसके अलावा आपने एक बहुत बड़े फॉल का नाम सुना होगा जिसको नियाग्रा फॉल बोलते हैं, तो वो जो है आपका लेक एरी और लेक ओंटेरियो के जो है जंक्शन पे है। तो ये भी आपको आप जो है याद रख सकते हैं। तो इस तरह से आप इन पांचों लेक के नाम याद रखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हमने देख लिए। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो यूएस और कनाडा के बीच का बॉर्डर है उसको 49th डिग्री पैरेलल बोलते हैं। उसके अलावा कुछ स्मॉल वाटर बॉडीज भी आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें आपका लेक निपिगॉन है एक, जो आपको लेक सुपीरियर के जस्ट ऊपर देखने को मिलेगा। ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इनका नाम ध्यान में रख सकते हैं। उसके अलावा आपका जो जॉर्जियन बे है जो लेक ह्यूरॉन से कनेक्टेड है, ये भी जो है एक स्मॉल वाटर बॉडी है। तो इस तरह आप इनके नाम याद रख सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका डेट्रॉयट है। डेट्रॉयट को आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा आपका जो जो आपका न्यूयॉर्क स्टेट है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और कई सारे स्टेट के नाम भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो आप उनको भी देख सकते हैं एक बार।
लेकिन इन पांचों के नाम आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे जो दूसरा मैप है आज का, जिसमें आपका बाल्टिक सी जो है उसके बारे में हम जानेंगे। तो जो बाल्टिक सी है वो आपका जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है उसके नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा। तो बाल्टिक सी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपकी तीन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जिनको हम बाल्टिक कंट्रीज बोलते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जिनके नाम है एस्टोनिया, लात्विया और लिथुएनिया। ये तीन कंट्रीज को हम बाल्टिक कंट्रीज बोलते हैं। और ये जो है पहले रशिया का पार्ट थी, बाद में जो 1991 में जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था उसके बाद ये अलग हो गई। इनकी कैपिटल भी आप देख सकते हैं, जैसे कि तल्लीन है एस्टोनिया की, रीगा है लात्विया की, और विल्नियस है जो आपकी लिथुआनिया की कैपिटल है। इसके अलावा आपको गल्फ ऑफ रीगा देखने को मिलेगा जो आपका लात्विया और एस्टोनिया के बीच में आता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो बाल्टिक सी कंट्रीज की बात करें तो इसमें आपका लिथुआनिया, लात्विया है और एस्टोनिया हो गई। उसके अलावा आपको बाल्टिक कोस्ट पे और भी कंट्रीज देखने को मिलेंगी, लेकिन इनको बाल्टिक सी कंट्रीज नहीं बोलते हैं, आपको ध्यान में रखना है। बाल्टिक सी कंट्रीज केवल तीन है, लेकिन बाल्टिक सी से कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं तो उसमें आपका फिनलैंड भी आता है, स्वीडन भी आता है, इसके अलावा आपका जर्मनी आता है, पोलैंड आता है, और फिर यहाँ पे आपका ये जो छोटा सा पोर्शन देख रहे हैं ये रशिया का ही पार्ट है, इसको कालिनीग्राड बोलते हैं। तो इस तरह से आपके जो आपके यहाँ पे बॉर्डर कंट्रीज हैं जो आपको बाल्टिक सी को एक्सेस देती हैं वो आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा आपका यहाँ पे एक और गल्फ देखने को मिलेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जो गल्फ होता है वो तीन तरफ से लैंड से घिरा हुआ एरिया होता है, तो गल्फ ऑफ फिनलैंड जो है उसमें आपको एस्टोनिया, रशिया और फिनलैंड देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे नॉर्थ में जो है गल्फ ऑफ बोथनिया देखने को मिलेगा। गल्फ ऑफ बोथनिया के थ्रू भी आप जो है बाल्टिक सी में एक्सेस कर पाएंगे। तो गल्फ ऑफ बोथनिया जो है वो आपका फिनलैंड और स्वीडन के बीच में आता है, ये भी जो है आपको ध्यान में रखना है। तो आपको ये जो तीन कंट्रीज देखने को मिल रही है, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, इनकी कैपिटल भी आप देख सकते हैं। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, स्वीडन की है स्टॉकहोम और नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। ये जो है तीन है, इन तीनों को ग्रुप को एक अलग नाम से भी जाना जाता है, उसको आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो फिर मैं आपको अगले आने वाले वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद है आपका यहाँ पे डेनमार्क, आप देख सकते हैं डेनमार्क आपका जो है वो एक छोटी सी कंट्री है जो आपको जर्मनी के टिप पे देखने को मिलेगी, और इसकी कैपिटल है कोपेनहेगन। और इसमें आपको जीलैंड नाम का एक आइलैंड देखने को मिलेगा, उसी आइलैंड पे जो है कोपेनहेगन स्थित है। तो ये जो है आपकी कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जो बाल्टिक सी में आती हैं। इसके अलावा यहाँ पे जर्मनी जिसकी कैपिटल बर्लिन है, फिर आपका पोलैंड है जिसकी कैपिटल है वारसा। तो इस तरह आपको कई सारी कंट्रीज यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और अगर आपने यूरोप के मैप को देखा है तो आपको पता होगा कि ये जो है आपका यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, और यूरोपियन कॉन्टिनेंट का जो नॉर्दर्न पोर्शन है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है आपका पोर्शन है जिसमें आपका बाल्टिक सी आता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन सी हैं, उनकी कैपिटल क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा बाल्टिक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि रशिया जो है बाल्टिक सी को एक्सेस पाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके अगले आने वाले वीडियो में हम किसी और मैप के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल एग्जाम सभा को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।